जी तो मेरी रिस्पेक्टफुल ऑडियंस, आज का हमारा टॉपिक है नो फैप फ्लैट लाइन। व्हाट इज नो फैप फ्लैट लाइन? ये आपको कब महसूस होगी अपनी नो फैप जर्नी के दौरान और ये कितनी देर तक आपके साथ रह सकती है? और लास्टली व्हाट आर द एग्जैक्ट सिम्टम्स ऑफ नो फैप फ्लैट लाइन? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नो फैप फ्लैट लाइन। ये वो पीरियड है आपकी नो फैप जर्नी का कि जब आपके तमाम इमोशंस जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, आप सेक्सुअल डिजायर महसूस नहीं कर पाते, आपकी शहवत खत्म हो जाती है, आपका किसी चीज में दिल नहीं लगता, आपको अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश करने में यानी फुलफिल करने में कोई भी लगाव नहीं रहता, आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता, आपको कोई हेल्दी एक्टिविटी या फिर कोई हेल्दी फूड खाने में मज़ा नहीं आता। इन सिंपल वर्ड्स आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हो कि आप एक मुर्दा इंसान बन जाते हो। मैं इसके लिए हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि आपकी हालत एक ज़ोंबी जैसी हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि नो फैप फ्लैट लाइन आपको कब महसूस हो सकती है अपनी नो फैप जर्नी के दौरान और ये कितनी देर तक आपके साथ रह सकती है। तो ये आपको अपनी नो फैप जर्नी के किसी भी हिस्से में या किसी भी पार्ट में आपको महसूस हो सकती है, लेकिन वो क्या रेड सिग्नल्स हैं कि जिनके आने से आपको पता चल जाए कि जी अब मेरी नो फैप फ्लैट लाइन शुरू हो चुकी है। तो मैं आपके सामने वो जिक्र करता हूँ कि जैसे आपकी सोशल एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद एतमादी कम हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाएंगी, आपकी लिबिडो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें इससे भी ज़्यादा खौफनाक हद तक जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको पहले से इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ कि आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहो, एक्टिव रहो कि मुझे ये नो फैप फ्लैट लाइन आनी ही आनी है, लेकिन जब ये आएगी तो मैंने इसका मुकाबला करना है, इससे लड़ना है और मैंने रिलैप्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आप रिलैप्स की तरफ चले गए तो फिर आपकी ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो आपने रिलैप्स की तरफ नहीं जाना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, यू डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट, आपने इसका मुकाबला करना है और इससे आगे आपने निकलना है, क्योंकि जो आपकी सक्सेस है, आपका फ्यूचर है, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इसी फ्लैट लाइन से आगे है। और ये आपको अपनी नो फैप जर्नी के दौरान कई बार महसूस करनी पड़ सकती है। ये नहीं कि आपको अपनी नो फैप जर्नी के दौरान ये एक बार ही महसूस करनी पड़ेगी, नहीं, ये आपको एक से ज़्यादा बार भी महसूस करनी पड़ सकती है। और अब ये कि ये आपको कितनी देर तक जकड़े रहेगी, तो ये इसका आंसर ये है कि ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक, बल्कि कुछ महीनों तक ये चल सकती है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये एक सिम्टम है, विड्रॉल सिम्टम है नो फैप जर्नी का, जो कि हर पॉर्न अडिक्ट को महसूस करना पड़ता है। किसी को इसकी शिद्दत कम महसूस करनी पड़ती है, किसी को इसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस करनी पड़ती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एडिक्शन कितनी पुरानी है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एग्जैक्ट नो फैप फ्लैट लाइन सिम्टम्स दैट यू कैन फील ड्यूरिंग नो फैप फ्लैट लाइन इन डिटेल।